तुमने जो तुम्हारा घोड़ा था उसको तुमने इंजेक्शन दिया, फिर उससे तुम चार डिमांड पूरी कराना चाह रहे हो कि हारिस की 10 रन तू बचाएगा, कि इंडिया की कप्तानी हो या किसी टीम की भी कप्तानी हो, मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो मैं चप्पल फाड़ के रन करता हूँ। और उसने उससे हलक से जीत निकाली है पाकिस्तान के बॉलर्स के, वो लंगड़े अगर बॉलर से तो उसमें इनका कसूर नहीं है पांड्या का। जी हाँ, और हारिस की टांगे खड़ी हुई है टेपीए की, नसीम लेटा जा रहा है तड़प तड़प के, बॉलिंग करवाया जा रहा है, पीछे से वो मजीदा आकर उसको कह रहे बेटे तूने विकटे लेनी है, बेटे तूने जिताना है, बेटे तूने बाबर की इज्जत बचानी है, आमदा स्कोर करके देना। तो वो स्कोर मैंने करना, आसिफ ने नेट में 150 छक्के लगाए हैं, तो भाईजान रियलिटी में मैंने छक्के लगाने थे, मैंने आपकी जगह जाके बैटिंग करनी थी। हार्दिक पांड्या ने उसने पाकिस्तान की बैकबोन तोड़ दी, कमर तोड़ दी, एक्सपोज कर दो से मुंह से इनके छक्के और अट्ठे और बर्रे लगवाएं, और जब बारी आती है 150 छक्के वाला ठोस जूता। ये मैनेजमेंट पाकिस्तान की 0=0 है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था हाई वोल्टेज, उसमें इंडिया ने बाजी मारी और जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या ने लास्ट बॉल पर छक्का मारकर भारत को विन करवाया वो काबिले तारीफ था। लेकिन अब एक बहुत बड़ी पोल जो है वो खुद पाकिस्तानी मीडिया खोल रही है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नसीम शाह हैं, जो कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैं, आपको पता होगा कि वो कितना कल अच्छा गेंदबाजी कर रहे थे, जिन्होंने कि हमारे जो प्लेयर्स हैं बैट्समैन हैं उनको आउट किया था। अब उनकी उनके लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया खुद रिपोर्ट कर रही है कि मैच में आने से पहले सारे प्लेयरों को इंजेक्शन लगाया गया था ताकि वो जो है वो बूस्टेड रहें और वो इंडिया के खिलाफ मैच जीत जाएं। दोस्तों आपको सुनकर ये कॉमेडी लग रहा होगा, लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे कि खुद पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि खास करके जो नसीम शाह हैं उनको ये इंजेक्शन लगाया गया ताकि वो जो बॉलिंग है उसमें और ज़्यादा निखार देखने को मिले। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कुछ एक्शन होता है या नहीं होता है, क्या ये न्यूज़ सच है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के कुछ ही जो न्यूज एंकर हैं उन्होंने ये पोल खोली है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपनी हार के बाद और इस बयान के आने के बाद क्या बात कर रही है। इस तरह के टैलेंटेड बॉलर्स को छुपाते हैं ये 130 वाले हसन के लिए, बेशर्मी बेगैरती लगा के रखी है इन लोगों ने, लानत है इनकी शक्लों पर। ये क्रिकेट है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर पाकिस्तान को बॉलर्स इस मैच में वापस भी लाए, लड़ाई भी करवाई, बैटिंग को नहीं छोड़ूंगा। 165-170 रन बनाने थे, शाहनवाज धानी के 15-16 रन जो थे उसकी वजह से इस काबिल हुए हो तुम कि लड़ाई कर सको इस मैच में। शाहीन क्या गिरा, तुम्हारी सारी इमारत गिर गई। कह रहे हैं नसीम अनफिट, मतलब, है नसीम अनफिट है, वो अनफिट होने की वजह से इतने रन आखिर में दे गया। यार वो खेल इंजेक्शन लगा के रहा था, आज मैं छापा में क्या बोला है, ये क्या जुल्म और ज्यादती नहीं है कि तुमने जो तुम्हारा घोड़ा था उसको तुमने इंजेक्शन दिया, फिर उससे तुम चार डिमांड पूरी कराना चाह रहे हो कि हारिस की 10 रन तू बचाएगा। करो हार्दिक पांड्या को चूमो हर आदमी पकड़ पकड़ के गुजरात टाइटन से जो सफर शुरू किया, अनबिलीवेबली वो बता रहा है कि इंडिया की कप्तानी हो या किसी टीम की भी कप्तानी हो, मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो मैं चप्पल फाड़ के रन करता हूँ। और उसने किसी भी लंगड़े बॉलर को नहीं छोड़ा है आज। जी हाँ भाई, वो भी तो लेके गया 10 रन के ऊपर, उसने भी तो 10 रन चेस किए ना फी ओवर, किसी ने इतना आसान नहीं निकाला मैच, उससे हलक से जीत निकाली है पाकिस्तान के बॉलर्स के। जी हाँ, वो लंगड़े अगर बॉलर से तो उसमें इनका कसूर नहीं है पांड्या का। जी हाँ, और दूसरे में कोई कसर नहीं छोड़ी, इज द कल्प्रेट। उसने नसीम का पक्का काम लगवाया है वर्ल्ड T20 से कि ये भी इंजर्ड हो, इसको बस किसी भी हाल में ऑस्ट्रेलिया ले जाना है हसन अली को। नहीं, ये तो यार नेदरलैंड से नजर आ रहा था तुम्हें कि वो क्रैम्प पे आया हुआ है सेकेंड ODI से, तुम टांगे उठा उठा के उससे बॉलिंग करवा रहे हो। अबे किसके रन बचाने के चक्करों में थे, कौन सी एल लगी भी जीत तुम लेके निकलो, कौन सी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ तुम परफॉर्मेंस दे रहे थे, खिला देते किसी और लौंडे को वहां पर, जरूरी था कि नसीम के तेल करना था तुमने, और यहाँ पर भी सुबह सुबह उसके ठोक दिया इंजेक्शन। सुन करने वाला जा बेटा,
भाग, तूने ही आज मेरे लिए मैच निकाल के देना है भाई। ये रिएक्शन टाइम कम होता है, प्रेशर ज्यादा, रोता भाग गया है मेरा नसीब मार जी, इस कदर तकलीफ थी उसके। रिजवान अलग अपनी टीआरपी लेने के चक्करों में जरा सा क्या गिर गए। पैथेटिक कीपिंग, पहले बैटिंग में फ्लॉप हुआ, उसके बाद दो दो तीन तीन रन दिए, सीधी गेंदे पकड़ी नहीं गई, इस वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर घंटे बोले खेल के भी रिजवान से कोई लंबा शॉट क्यों नहीं लग रहा था। एक छक्का आवेश खान को मारा है, रन अ बॉल, सात ओवर की ऐसी की तैसी कर दी, और विराट की जवानी के दिनों से मुकाबला करने के दावेदार आपके कप्तान, इनको जवानी में पुल नहीं मारना आ रहा। ओ भाई तुमने तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतनी सिंपैथी लो कि तुम्हारा बॉलर हर थोड़ी देर के बाद आके गिर जाता है। हारिस की टांगे खड़ी हुई है, टेपिए की नसीम लेटा जा रहा है, तड़प तड़प के बॉलिंग करवाया जा रहा है, पीछे से वो मजीदा आकर उसको कह रहे बेटे तूने विकेट लेनी है, बेटे तूने जिताना है, बेटे तूने बाबर की इज्जत बचानी है, बेटे तेरी ऐसी की तैसी, तूने अगर नहीं ली यार, वो रोता हुआ निकल के गया है कि उसके शाम में सुबह सुबह तुमने इंजेक्शन ठोक के उससे तवक्को करी कि वो तुम्हारी कुर्बानी का बकरा बनेगा, उसकी ऐसी की तैसी करके उसकी अगले तीन महीने की क्रिकेट खा गए तो खिलाओ इस घंटे के हसन अली को, वो मेलबर्न के नाले के गंदा लेजेंड, वो आज कम से कम ये तो बोल सकता था कि यार 140 प्लस के तीन बॉलर अगर ये पूरे होते तो मैच का नक्शा डिफरेंट होता। ड्यू का नहीं पड़ा तो बाबर आजम साहब बहुत हो गई। आज आपने जो शॉट खेला वो भी पैथेटिक, और फखर जमान को हैट्स ऑफ जी का, वो वापस चला गया, खुद चला गया अंपायर के आउट दिए बगैर, लेकिन भाईजान उसका काम था स्कोर करके देना, तो वो स्कोर मैंने करना था। बहुत ही मसले मसाइल थे के बैटिंग ऑर्डर भी ठीक है, इफ्तिखार ठीक है, खुश दिल आसिफ ने नेट में 150-150 छक्के लगाए हैं, तो भाईजान रियलिटी में मैंने छक्के लगाने थे, मैंने आपकी जगह जाके बैटिंग करनी थी। हैदर अली देखे, आपसे कहा था ये इफ्तिखार को बॉल नहीं देगा, आपके सामने है। रिजवान को मैंने 16वें ओवर में कहा, रिजवान साहब अब 18-19-20वां ओवर कौन कराएगा, आप या मैं, नवाज कहां पे आएगा, इफ्तिखार या कुछ दिल से लगाता, अगर ये नसीम शाह को बीच में वापस ले आता तो यकीन करें ये उस टेनसिया के ओवर खत्म करा देता तो मैच बड़ा बन जाता, नवाज के ओवर करवा जाता वहां पे पूरे तब भी बन। भाई स्पिनर को आप 20वां ओवर, ये तो कमाल कर दिया नवाज ने कि जनाब उसने आउट कर दिया सेट जडेजा को, अंपायरिंग पैथेटिक, पहले पाकिस्तान का गलत आउट दिए, फिर इधर गलत आउट दिए, इस तरह नहीं होती अंपायरिंग भाई। ये एशिया कप हो रहा है, ये कोई गले महल्ले का मैच नहीं हो रहा। भुवनेश्वर कुमार इज शियर शियर लव प्योर गोल्ड। देखें भुवनेश्वर कुमार जैसे आया नजर आ रहा था, हालांकि अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी इफ्तिखार और रिजवान की, लेकिन माजरत बाबर आजम पे तो आज कोई जोर, कोई जबरदस्ती, कोई प्रेशर नहीं था, आराम से खेलता। भुवनेश्वर ने कमाल कर दिया, जो चार विकेटें ली, जो तीन विकेटें ली हार्दिक पांड्या ने, उसने पाकिस्तान की बैकबोन तोड़ दी, कमर तोड़ दी, एक्सपोज कर दिया बाबर की बैटिंग को पूरी पाकिस्तान टीम की। वे बातों से मुंह से इनके छक्के और अट्ठे और बर्रे लगवाए, और जब बारी आती है 150 छक्के वाला ठोस बाबर ठुस अपना क्या नाम है खुशदिल ठुस। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जिस प्रकार का कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच रहा और भारत ने विन कर लिया, उसके बाद से जो इंडिया है उसका तो जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जो कि 9 महीने पहले ही हमको हरा दिया था और उसका बदला जो है वो भारत ने ले लिया, लेकिन दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है और कहा ये जा रहा है खुद पाकिस्तान के द्वारा, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि खुद पाकिस्तानी जो है वो ये बात मान रहे हैं कि मैच से पहले, मैदान पे उतरने से पहले पाकिस्तानी प्लेयरों को जो इंजेक्शन है वो दिया गया ताकि वो जो अच्छा खेल पाए, अच्छा प्रदर्शन कर पाए, लेकिन उसमें भी वो नाकाम साबित रहे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के लिए जो नसीम शाह हैं, जो कि एक और जो बहुत अच्छे गेंदबाज थे,
उसका पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अब देखने वाली बात हुई कि वो कितने दिन में रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति मैच में दिखी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं कि आपको इसके बारे में क्या कहना है।